नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। हेमंत कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी के अभ्यर्थियों को बड़ी कह सकते हैं कि सौगात मिली है, बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। जेपीएससी के तहत अभ्यर्थी जब परीक्षा देंगे तो उन्हें अब समय सीमा की भारी छूट मिलेगी, 7 वर्ष की छूट जो है वो मिलने वाली है। क्या कुछ पूरी जानकारी है ये हम समझेंगे। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, जेपीएससी को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, जेपीएससी की अगली परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास और अहम खबर है, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और इसमें फैसला लिया गया है। 7 साल की छूट दी गई है, यानी कि जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2017 का है और लंबे समय से अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे। कई बार अभ्यर्थियों ने कहा, क्योंकि अभी तक 11वीं जेपीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, इसकी भी मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे थे। सड़कों पर आंदोलन भी देखने को हमें मिला और अभ्यर्थियों ने कहा था कि अगर उम्र सीमा में हमें छूट नहीं मिलेगी तो झारखंड में एक बार बड़ा आंदोलन होगा। सिर्फ रांची नहीं बल्कि 2400 जिलों में अभ्यर्थी जो है सड़क पर आंदोलन करेंगे। और कल कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए गए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले भी कई जगहों पर यह कहा था कि अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार का रास्ता साफ कर रहे हैं, यानी कि अब आने वाले समय में नियुक्तियां होंगी। लेकिन कह सकते हैं एक बड़ा खबर जो है वो अभ्यर्थियों के लिए, एक बड़ी राहत जो है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी शुरुआत से यही बोल रहे थे कि अगर 1 अगस्त 2017 का कट ऑफ नहीं रहा तो अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। और वही हुआ कैबिनेट की बैठक में। जेपीएससी की जो भी अगली परीक्षा होगी उसमें जो भी अभ्यर्थी बैठेंगे इस परीक्षा में, 7 साल की उन्हें छूट दी गई है। अब जो कट ऑफ है 2017 है, 1 अगस्त है, यानी कि अभ्यर्थी जो है वो लंबे समय से सिर्फ यही बोल रहे थे कि एज रिलैक्सेशन उन्हें मिलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं जो तैयारी कर रहे अभ्यर्थी है वो काफी खुश होंगे, क्योंकि झारखंड राज्य में ऐसा अमूमन देखा जाता है कि हर एक नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रह जाती है। और 7वीं से जब 10वीं जेपीएससी परीक्षा राज्य में आयोजित हुई थी उस वक्त भी अभ्यर्थियों ने कई आरोप लगाया था और सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे। अब 11वीं जेपीएससी की मांग को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कट ऑफ डेट को भी लेकर लगातार उनकी बात जो है वो कहीं ना कहीं जेपीएससी के अध्यक्ष तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। इस बीच कई लोग कई जगहों से मुलाकात भी किए थे और उनका कहना था कि आने वाले समय में वो लोग इसको लेकर विधायक और मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि इस बार राज्य सरकार जो है वो राज्यवासियों को क्या क्या सौगात देने वाली है। और कल अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कट ऑफ डेट जो है 1 अगस्त 2017 है, यानी कि जेपीएससी की अगली परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी बैठेंगे उनको 7 साल की छूट दी गई है। तो कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों को तमाम अपडेट भी देते रहेंगे। जब जेपीएससी की जो 11वीं जेपीएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा, आखिर परीक्षा कब होगी, तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। बिल्कुल करिश्मा, जेपीएससी के अभ्यर्थियों को एक बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। 7 साल एक लंबी अवधि होती है, 7 साल छूट उन्हें मिलेगी। करिश्मा, सीजीएल की परीक्षा को लेकर भी लगातार कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है, सीजीएल परीक्षा को लेकर क्या कुछ उम्मीद अब जगेगी इसके बाद? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि राज्य का गठन हुए 23 साल हो गए हैं और ऐसे में सीजीएल की परीक्षा पिछले 8 सालों से नहीं हुई है और आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी कितने परेशान होंगे, झारखंड के युवा कितने ज्यादा परेशान होंगे। और लंबे समय से सीजीएल की परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे थे। जब जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा हुई तो आपने देखा होगा आंदोलन भी हुए, क्योंकि अभ्यर्थियों ने कहा था इससे पहले जो तिथि की घोषणा हुई थी वो 21 तारीख थी और उसमें 3 दिन परीक्षा पहले से ही आयोजित थी, यानी कि सीटेट और जेपीएससी बैकलॉग और तीसरा सीजीएल की परीक्षा। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि आखिर किस तरीके से वो लोग परीक्षा देंगे, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर को जो एसएससी कार्यालय में अभ्यर्थियों ने घेराव भी किया था और कहीं ना कहीं उनका कहना था कि वो लोग अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात करेंगे, लिहाजा नीरज सिन्हा से मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन मधुमिता जो एसएससी की सचिव है से इनकी मुलाकात हो पाई थी और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि आपकी जो मांग है वो पूरी होगी। लेकिन सीजीएल के अभ्यर्थियों ने कहा था कि आखिर 8 साल के बाद परीक्षा हो रही है, एडमिट कार्ड क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है? तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है, सेंटर भी अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। अब अभ्यर्थी जो है वो काफी खुश है। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई बार सीजीएल की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा हुई थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया था, तो अभ्यर्थी इससे काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और उनका कहना था कि अगर इस तरीके की बात सामने आएगी, अगर
एसएससी की ओर से पहल नहीं की जाएगी तो अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। लेकिन इस बीच आपने देखा कि एडमिट कार्ड भी अब डाउनलोड हो रहा है, अभ्यर्थियों को सेंटर भी बता दी गई है और अभ्यर्थी अब काफी खुश है। उनका कहना है कि लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। तो कह सकते हैं जो एसएससी की ओर से एक बड़ा कदम लिया गया है, 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा हुई है। और आपने देखा होगा कि राज्य में कई ऐसे युवा है जो बेरोजगार है और उनका कहना है कि आखिर अब हम लोग क्या करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री दूसरी ओर ये बोलते हैं कि आप लोग रोजगार से तो आप लोगों को जोड़ेंगे लेकिन स्वरोजगार भी कीजिए ताकि आप लोग खुद तो एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खोलिएगा, यानी कि आप लोग खुद 4 लोगों को अपने अंडर काम कराइएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये बातों का जिक्र भी करते हैं। अब देखिए जिस तरीके से अब एक बड़ा फैसला लिया गया है कैबिनेट के माध्यम से, हम अभ्यर्थियों से जरूर जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे नवीन, कि आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं। लंबे समय से कट ऑफ डेट का इंतजार कर रहे थे और उनका भी कहना था कि 1 अगस्त 2017 का कट ऑफ डेट अगर नहीं रहा तो आंदोलन होगा। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला लिया है कैबिनेट के माध्यम से, तो कह सकते हैं अभ्यर्थी अब काफी खुश होंगे राज्य के। बिल्कुल, अभ्यर्थी काफी खुश है और अभ्यर्थियों के हित में सरकार ने काम किया है। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है हेमंत सोरेन कैबिनेट की ओर से, 7 साल की जो छूट है वो अब समय सीमा में अभ्यर्थियों को मिलेगी और आने वाले दिनों में कह सकते हैं अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत सरकार लेकर के आई है। और तमाम जो मांगे रही हैं अभ्यर्थियों की कि सरकार नियुक्तियां देने का काम नहीं कर रही है, कई तरह की हेरफेर होती है जब प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, लेकिन अब सरकार ने इन तमाम चीजों पर विराम लगाने की कोशिश की है। सीजीएल की परीक्षा हुई है तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब अभ्यर्थियों में उम्मीद और उत्साह बढ़ रहा है। जेपीएससी को लेकर जैसे ही और कोई अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज 22 को। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।